Hello everyone, my name is Vaibhav Lalit, student of Faculty of Law. I hope you all are doing good. Today, in this lecture, we will discuss the remaining one category of cases, that is summon case and warrant case. And with that, आज हम CRPC का सबसे important topic जो है वो शुरू करने जा रहे हैं. ये जहाँ से पूरा प्रोसीजर जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन का शुरू होता है एंड यू कैन से दैट विच सेट्स द होल इन्वेस्टिगेशन मशीनरी इनटू मोशन. यस, आप लोग समझ ही गए होंगे, दैट इज FIR सेक्शन 154 CRPC. एंड विद दिस वी विल आल्सो डिस्कस अ वेरी फेमस केस लॉ विच इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP. सो आज से जो कमिंग 3 to 4 to 5 लेक्चर्स होंगे हमारे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट, जिससे सारी बेसिक्स जो हैं आपके वो क्लियर होंगे. सो डोंट मिस एनी ऑफ दिस लेक्चर्स एंड फॉर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद इट योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द समन केस एंड वॉरेंट केस फर्स्ट. सेक्शन 2W डिफाइन समन केसेस. बेसिकली ये वो केस हैं जिसमें पनिशमेंट जो है ऑफेंस की 2 या 2 साल से कम है. सेक्शन डज नॉट स्पीक अबाउट इट, बट अगर हम सेक्शन 2X को केयरफुली पढ़ेंगे उसमें ये दिया हुआ है कि केसेस वारंट केसेस आर केसेस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स. सो अगर पनिशमेंट 2 साल से ऊपर की है किसी ऑफेंस की वो वारंट केस है एंड 2 या 2 साल से कम है सो दैट इज समन केस, राइट. एंड एक क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट अगर अक्यूज जो है वो समन इश्यूज करने पे भी नहीं आया एंड वारंट इश्यूज करने पे भी नहीं आया, देन क्या होगा, देन व्हाट कोर्ट विल डू. उसके लिए बेसिकली देर आर प्रोविजन इन CRPC सेक्शन 82, 83, 84 विच स्पीक्स अबाउट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. The word is proclaimed offender. We will deal with those things later on कि कैसे जो है उन केसेस में कोर्ट जो है accused की प्रॉपर्टी को acquire कर लेती है एंड ऑल those things. ठीक. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 154 FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. सो क्या कहता है सेक्शन, एवरी इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि किससे रिलेटेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है. सो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए पहली बार. एंड हियर द वर्ड इज एवरी इंफॉर्मेशन, ना कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल इंफॉर्मेशन. इट इज एवरी इंफॉर्मेशन. आगे क्या कहता है, इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑरली देन इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग. सो अगर ऑरली गिवन है तो इट शैल बी रिड्यूस इन टू राइटिंग एंड इट शैल बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, उसको पढ़ के सुनानी है. एंड देन इट शैल बी साइन बाय द इन्फॉर्मेंट. And in the last, the books were prepared by the police officials, which was said as like station diaries or journal diaries. Basically, कोई गलती ना हो जाए, informant जो कहना चाहता है वही चीज़ report हो. And कभी कभी जैसे पुलिस वाले कुछ ताकि गलत ना लिख दे पुलिस वाले भी FIR में. एंड लास्ट में जो है पुलिस वालों को एक डायरी प्रिपेयर करनी पड़ती है जिसमें वो सारा सब्सटेंस रिलेटेड टू दैट केस मैंशन करते हैं, उसे जर्नल डायरी या स्टेशन डायरी भी बोला जाता है. सो That was section 1. Now, subsection 2 क्या बोलता है, जो informant है वो उससे उसे जो है free of cost में आपको एक copy देनी है FIR की. Now, one important thing जो कि subsection 3 बोल रहा है वो ये कहता है कि suppose एक police officer ने मना कर दिया information लिखने से या वो नहीं लिख रहा report आपके किसी भी कारण से, then what you can do, now you can by post you can go to the superintendent of police एंड उसको बता सकते हो एक लेटर के थ्रू अपनी सिचुएशन. एंड इफ़ ही सेटिस्फाई विद यू एंड इफ ही सेटिस्फाई विद इट, देन वो या तो खुद से या किसी सबॉर्डिनेट को बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, राइट, एंड FIR रजिस्टर करने के लिए बोल सकता है. अब जो है एक्चुअली काफ़ी जो क्वेश्चंस इसके ऊपर रेज हुए एंड इन डिफरेंट कोर्ट्स जो है हाई कोर्ट्स के क्वेश्चन रेज हुए कि FIR को मैंडेटरी करना चाहिए, कि पुलिस को हर केस में FIR करना जरूरी है या नहीं. देन ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू एन एंड आफ्टर दिस लैंडमार्क केस विच इज़ ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ UP. इट्स अ 5-judge bench केस. एक्चुअली इस केस में क्या हुआ, अ रिट पिटिशन ऑफ हैबियस कॉर्पस वॉज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फादर ऑफ ललिता कुमारी हु हैड बीन किडनैप्ड.
एक्चुअली क्या हुआ, उसके फादर ने कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में, एंड वहाँ के इंचार्ज ने कोई एक्शन नहीं लिया उस कंप्लेंट के ऊपर, ना ही उसने रजिस्टर की FIR। देन ही वेंट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड उसने देन उसके बाद FIR रजिस्टर की, बट देन ही ऑल्सो एंड दैट होल पुलिस पुलिस टीम पुलिस ऑफिशियल डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दोस एंड दे एंड वो लोग कहने लगे कि हम लोग इंक्वायरी करेंगे इस केस के ऊपर एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो टू मेन इशूज दैट वर रेज इन दिस केस दैट वर वेदर द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR अपॉन रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकेंड वन इज whether the police officer has power to conduct a preliminary inquiry in order to test the veracity of such information before registering the same. Basically, क्या जो registration FIR की mandatory है या नहीं, और क्या जो police officer के पास powers हैं कि वो inquiry कर सकते हैं अपना कि कोई particular cases के अंदर, एक category of cases के अंदर। So, actually see, FIR को mandatory करना ज़रूरी था, because हम लोग पुलिस ऑफिशियल्स को इतनी बड़ी एक आर्बिट्रेरी पावर नहीं दे सकते कि अगर तुम्हें लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है तो कि तुम देन तुम लोग कर लो वरना मत करो, दैट कैन नॉट बी डन, बिकॉज पुलिस कैन बी बायस्ड एंड उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है, राइट, एंड करप्शन भी जो है उससे बढ़ सकता है। हर टाइप के केस में FIR मैंडेटरी करना विदाउट एनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज इट विल गिव अ राइज टू अ लॉट ऑफ फेक केसेस एंड विच विल इंक्रीज अ बर्डन ऑन पुलिस। सो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन सम केसेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कोर्ट ने काफ़ी सही तरीके से इस केस में कुछ गाइडलाइंस इशू करी जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है दैट कम टू एन एंड। दोज गाइडलाइंस वर the mandatory registration of FIR under section 154 and a preliminary inquiry may be conducted if the information does not disclose a cognizable offense but indicate the necessity of an inquiry। agar koi information jo hai wo cognizable offense ke bare mein disclose nahi kari but wo ye show kar rahi hai information ki ek inquiry karna zaruri hai to us case mein you can do preliminary inquiry as well। ab jo inquiry wo kam se kam 7 din ke andar jo hai puri ho jani chahiye, it should not exceed 7 days। अब कुछ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेज हैं बेसिकली जिसमें जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्टेड करना भी जरूरी है, लाइक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं आपके, जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स जो होते हैं एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स एंड मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस एंड मैनी मोर। सो इन दिस केसेस में जो है आपको ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कराना जरूरी है, बट वो जो है 7 दिन तक होनी चाहिए। एंड द मेन थिंग इज दैट कि जो FIR वो तो रजिस्टर करना जरूरी है, वो मैंडेटरी है, आप ये उसको मना नहीं कर सकते। इस केस में डिसाइड होता कि वो आप मना नहीं कर सकते, तो वो जरूरी है। एंड प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी वो भी कुछ कुछ केसेज में है वो जरूरी है, वो भी 7 दिन तक, राइट। सो दिस गाइडलाइंस वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस केस वॉज अ लैंडमार्क केस इन क्रिमिनल लॉ। सो विद दिस आज का लेक्चर यही खत्म होता है, बट वी विल टॉक मोर अबाउट ऑन दिस टॉपिक विद मोर केस लॉ इन द कमिंग लेक्चर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कमिंग लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉन्ट टू नो मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।